हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक नई भर्ती के बारे में जो बोकारो स्टील प्लांट के अंतर्गत जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से निकाली गई है, जिसमें टोटल जो वैकेंसी रखा गया है टोटल 146 वैकेंसी रखा गया है। यह वैकेंसी जो है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के पोस्ट पर निकाली गई है। इम्पोर्टेंट डेट की अगर बात करते हैं तो देखिए, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट जो डेट रखा गया है वो 25 अगस्त 2022 रखा गया है, यानी 25 अगस्त 2022 से जो है आपका फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट टू फॉर्म, फॉर्म के लिए जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 15 सितंबर 2022 रखी गई है। एग्जाम डेट जो है नोटिफाई लेटर। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन फी। तो देखिए, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो आपका एप्लीकेशन फी अवेलेबल कराया गया है वो 200 रुपया रखा गया है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए जो आपका एप्लीकेशन फी अवेलेबल कराया गया वो 100 रुपया रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा पेमेंट मोड। पेमेंट मोड जो है आपको ऑनलाइन ही पैसा पे करना है। नेक्स्ट है हमारा एज लिमिट। तो देखिए, मिनिमम एज मतलब जो न्यूनतम जो आयु रखी गई है वो नॉट अवेलेबल रखी गई है। मैक्सिमम एज मतलब अधिकतम जो आयु रखी गई है आपकी 28 ईयर्स जो है अधिकतम आयु रखी गई है। नेक्स्ट है हमारा सैलरी। सैलरी जो रखी गई है यहाँ पर 12,900 रुपया से लेकर 16,100 रुपया जो है यहाँ पर मंथली सैलरी रखी गई है। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब चयन की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, पहली जो प्रक्रिया आपकी होगी वो रिटेन एग्जाम होगा, दूसरा जो प्रक्रिया होगा वो आपका ट्रेड टेस्ट होगा, तीसरा जो प्रक्रिया होगा वो स्किल टेस्ट, और चौथा जो प्रक्रिया है आपका मेरिट लिस्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वालिफिकेशन, मतलब योग्यता क्या है। तो देखिए, एक तरफ हम पोस्ट नेम लिखे हैं और एक तरफ टोटल सीट और एक तरफ क्वालिफिकेशन लिखे हैं। तो देखिए, पोस्ट नेम में जो है आपका अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए जो टोटल सीट रखा गया है वो टोटल 146 सीट रखा गया है। जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसमें से पहला जो डिग्री आपका मांगा गया है, आपको जो है क्लास 10 पास की डिग्री मांगी गई है। दूसरा जो डिग्री मांगा गया है वो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में जो है 1 ईयर्स का अप्रेंटिस ट्रेड मांगा गया है, और तीसरा जो डिग्री मांगा गया है वो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगा गया है। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड। देखिए, कैटेगरी एक तरफ लिखा गया है और एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल। तो कैटेगरी में जो है आपका पहला है हाइट। हाइट जो मेल के लिए जो रखा गया है वो 155 सेंटीमीटर रखा गया है, फीमेल के लिए जो हाइट रखा गया है वो 143 सेंटीमीटर रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा वेट। वेट जो मेल के लिए रखा गया है वो 45 केजी रखा गया, फीमेल के लिए जो वेट रखा गया है वो 35 केजी वेट रखा गया। नेक्स्ट है हमारा रिटेन एग्जाम। देखिए, एक तरफ हमने सब्जेक्ट लिखा है, एक तरफ आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखा है और एक तरफ मार्क्स लिखा है। सब्जेक्ट में जो आपका पहला है जीके, मतलब जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज से जो आपको टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे और जो इससे आपको मार्क्स मिलेगा वो टोटल 40 मार्क्स मिलेगा। सब्जेक्ट में जो है दूसरा है रीजनिंग। रीजनिंग से जो है आपके टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, जो आपको मार्क्स मिलेगा वो टोटल 30 मार्क्स मिलेगा। सब्जेक्ट में जो तीसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 30 क्वेश्चन होंगे, जो आपको मार्क्स मिलेगा वो 30 मार्क्स मिलेगा। टोटल की अगर बात करते हैं तो टोटल जो आपको 100 क्वेश्चन आएंगे, जो आपको मार्क्स होगा कितना, टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। अगर आप इसके लिए योग्यबल हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।